करते ही बहुत इतनी अच्छी डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा मेन रोड है जहाँ पे पूरी डेकोरेशन हो रखी है, ये पूरा डेकोरेट हो रखा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। एंड आज पहला नवरात्रा है, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और आज मैंने फास्ट नहीं रखा है, मैं लास्ट के दो फास्ट रखूंगी। और मैं चाहती हूँ मैं आपको जो 7 डेज नवरात्रा चलता है उसके 7 डेज आउटफिट दिखाऊं। तो आज का मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ अपना। ये मेरा आज का आउटफिट है। ये मैंने कुछ जयपुरी वाली जो मैंने आपको कुर्ती दिखाई थी वो पहनी है आज, और साथ में ब्लैक जीन्स पहनी है। जयपुरी कुर्ती है और इतना ये सॉफ्ट है ना, ये इतना कंफर्टेबल कुर्ती है ये, और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। रेड कलर तो ऐसी कुर्ती मेरे पास है नहीं, ये रेड कलर की कुर्ती वैसी बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी सूट भी कर रही थी मेरे पे। तो ये मेरा आज का आउटफिट है, और डेली मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी कि मैं नवरात्रि में क्या आउटफिट पहन रही हूँ। मैं आपको जो मम्मी ने मंदिर सजाया है और हमारे में खेतरी भी बीजते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मम्मी ने आके खुद ही सारा सजा रखा है उसको। मम्मी ने खुद ही सारा सजा रखा है उसको, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मेरे रूम में मम्मी ने किया है सब। तो ये जय माता दी, ये शेरावाली माता है। ये मम्मी कल शेरावाली माता की ड्रेस लेके आई थी मार्केट से, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने समर्स के हिसाब से कुछ लाइट वेटेड कॉटन की कुर्तीस पहनी है ना, तो ऐसी लग रहा है कि शेरावाली माता ने भी कॉटन की ड्रेस पहनी है। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी, और इस टाइप की मेरे पास कुर्ती भी थी पहले, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये शेरावाली माता है हमारी, और ये सारा मम्मी ने यहाँ पे मतलब सेटअप करा हुआ है मेरे रूम में, और यहाँ पे ये खेतरी बीजी हुई है जो ठहर गई है क्योंकि मैं ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ, तो सुबह ऑलरेडी कर चुके हैं जोत। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, हॉल है बहुत बड़ा, जहाँ पे हर साल नवरात्रों का बहुत अच्छा फंक्शन रहता है। इस साल भी बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। वहाँ की मेन रोड्स और दरबार बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ है, तो शाम को मैं आपको जाके वहाँ पे दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि किस तरह से वहाँ पे सारा डेकोरेशन हो रखा है। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मेरा लंच आ गया है, आलू की सब्जी, पूड़ी, और ये मेरे फेवरेट चिप्स हैं, नमक वाले चिप्स हैं जो फास्ट में चलते हैं। तो आलू की सब्जी तो मेरी ऑलवेज फेवरेट है, और मम्मी ने तो खैर पूरे ही फास्ट रखे हैं, मम्मी पूरे पूरे नवरात्रे पे फास्ट रखती है, तो रोज हमारे घर पे आलू तो बनने ही बनने, आलू मस्ट है बनने हमारे घर पे, और मेरे तो खैर फेवरेट है ही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आलू खाने में। और मुझे व्रत वाले जो चावल बनते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस, यहाँ पे शाम की चाय मेरी आ गई है, और मैंने आपको बताया था कि शाम को मैं आपको कम्युनिटी सेंटर लेके जाऊंगी जहाँ पे नवरात्रि का सारा फंक्शन होना है और काफी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। बट मुझे कहीं से पता चला है कि वहाँ पे जो सिंगर आने हैं और जो भी फंक्शन होना है वो 24th से स्टार्ट है, आज नहीं है। बट स्टिल मैं चाय पीने के बाद आपको वहाँ लेके जाऊंगी, और पूरा वहाँ का जो भी डेकोरेट हो रखा है बाहर मेन रोड पे और दरबार वगैरह जो भी सब सजा हुआ है वहाँ पे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो फाइनली गाइस, जो मैं आपको बता रही थी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखो पूरा गेट बना हुआ है नवरात्रि स्पेशल के लिए, और यहाँ से एंट्री करते ही पूरी इतनी अच्छी डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा मेन रोड है जहाँ पे पूरी डेकोरेशन हो रखी है, और यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा शोर है, अगर आपको आवाज़ ना आ रही हो तो सॉरी, बट मैं आपको डेकोरेशन दिखाने आई हूँ। ये पूरा मेन रोड पूरा एंड तक डेकोरेट कर रखा है, और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है पूरा। और मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होना है 24th से। देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो ये जगह है जहाँ पे पूरा डेकोरेशन होना है। ये देखो, इनको देखो, ये देखो, ये पूरा यहाँ पे दरबार सज रहा है अंदर। ये श्री राम भक्त सेवा समिति, यहाँ पे ये पूरा देखो दरबार सज रहा है। यहाँ पे 24th से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे अंदर सिंगर भी आएंगे। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि कौन कौन सा सिंगर आने वाला है। तो ये वो बोर्ड है जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मन्नी लाडला, ये मेरा फेवरेट है। 24 मार्च दोपहर 3 बजे से इच्छा जो भी है बटा, तो यहाँ पे हम ये पूरा डेकोरेट करा हुआ है दरबार, ये पूरा दरबार सजा हुआ है। मतलब अंदर अभी होना है सब कुछ, बट यहाँ पे पूरा दरबार सजा हुआ है, तो यहाँ पे मन्नी लाडला आने वाला है और मैं तो ज़रूर आने वाली हूँ। और ये पूरी डेकोरेशन है भाई, जो देखो कितना अच्छा डेकोरेट हो रखा है यहाँ पे, पूरी रोड पीछे डेकोरेशन पे जा रही है। और ये देखो, ये पूरा डेकोरेट हो रखा है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को लग रहा है 24 से फंक्शन स्टार्ट है। देखो
देखो ये रथ कितना प्यारा सजा हुआ है, पूरी इतनी लाइटिंग इतनी अच्छी हो रखी है यहाँ पे। और नवरात्रि का यहाँ पे हर साल ऐसे फंक्शंस होते हैं, दिवाली या कुछ भी ऐसा रहता है ना दशहरा, तो यहाँ पे फंक्शंस होते रहते हैं। और यहाँ पे सारी खाने पीने की है, और यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे भी हो रहा है। पूरा देखो कितना अच्छा डेकोरेटर होता है। तो मैंने आपको दिखाया कि अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि पूरा दरबार है जहाँ पे अंदर फंक्शन होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हम कोलंबस वाला गए, ये थोड़ा सा ऐसे झूला है कोलंबस वाला, ये झूला खाने जा रहे हैं हम। और कोलंबस वाले झूले में मैं भी जा रही हूँ। यस मजा आ रहा है कोलंबस वाले में। और कोलंबस नहीं है क्या, जंपिंग कोलंबस वाले में मजा आ रहा बहुत। और यहाँ पे ये जाए टूटता हुआ अरे इनको कड़ा धोने दो, चलो चलो हाँ बहुत मजा आ रहा है गाइस। जिंदगी के मजे आ गए, चाइल्डहुड याद आ गया पूरा, हम बचपन में खाते थे ये झूले, मजा आ गया। नहीं देखो ये आपको ज्यादा दे रही, आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आप मेरे बहुत अच्छे हैं। यस 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 आपको बहुत है, इस छोटे बच्चे क्या है, इस छोटे बच्चे बचपन में दिन याद आ गए। ओए स्वाद आ गया जिंदगी का। तो गाइस अब हम ये वाला कोलंबस वाला राइड लेने वाले हैं, छोटे बच्चों की कोलंबस राइड। और ये पूरी मेरी फैमिली बैठी है, ये सारे सिब्लिंग्स हैं, कजन खुशी हर्षिता नोडी और मैं भी हूँ। चलो भैया भी हैं, ऐसे कर दो यहाँ बैठे, चलो चलो यस उधर आऊँ मैं, इधर उधर इको बैठने चाहिए ना, फोन जा रहा है। मैं वीडियो पूरा ऐसे बीच में बैठ कर बना लूंगा ना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भैया भगवान का नाम लेकर टैग दो फोन भैया, जोर जोर हाय कर दो सब। यो यो व्हाट्स अप, या ओया गुल्ली गुल्ली मजा आने वाला है। या जय की भट्टी हुई, जय की भट्टी हुई, ये तेज होने वाला झूला तेज हो रहा है। आज तो सही में मजा आ गया, ये मजा आ रहा है। हर्षिता मेरी गंदी शक्लों को इग्नोर करे सो गाइस, दोनों झूले हमने खा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। तो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, हॉल है बहुत अच्छा,
और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, हॉल है बहुत बड़ा, जहाँ पे हर साल नवरात्रों का बहुत अच्छा फंक्शन होता है।